लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ये है अशोक कुमार। अशोक कुमार उत्तराखंड के तिमांत जिले पिथौरागढ़ के डिडीहाट में रहते हैं। अशोक कुमार एक प्राइवेट स्कूल में बतौर शिक्षक कार्यरत है। बीते करीब 4 सालों से इनके कूल्हे की हड्डी में दर्द होने के कारण इन दिनों वे बिस्तर पकड़ के बैठे हैं। अशोक कुमार कई जगह अपने इलाज के लिए डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन में करीब 6 से 7 लाख रुपए लग रहे हैं। घर की हालात पहले से ही खराब होने के कारण अशोक इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी से बमुश्किल परिवार का भरण पोषण करने वाले अशोक कुमार अब पूरी तरह टूट चुके हैं और परिवार पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। पैसों के अभाव में अशोक कुमार का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। अशोक कुमार समस्त उत्तराखंडियों से एक अपील कर रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी मदद कर जीवन दान देने की कृपा करें। डीआर की समस्त जनता, व्यापारी भाई बंधु तथा मेरे अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे दोनों कूल्हे के ऑपरेशन होना डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है और मुझे रिफर कर दिया गया है, जिसमें 6 से 7 लाख का खर्चा आना बताया जा रहा है। मैं इस खर्चे को उठाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं घर वापस आ गया हूँ। मैं आप सभी लोगों से अपने आर्थिक मदद के लिए एक अपील कर रहा हूँ। आपके प्रयास से ही मेरा ऑपरेशन होना संभव है, जिसके लिए आप 1 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, 500, 1000 रुपये से मेरी आर्थिक मदद करने में सहयोग प्रदान करें। ऐसे में एक बार फिर टिडीहाट व्यापार संघ के अध्यक्ष लवी कफलिया अशोक कुमार के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। K24 न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कई दानवीरों ने आगे हाथ बढ़ाकर अब तक अशोक कुमार के लिए 60 से 70 हजार रुपए की धनराशि एकत्र कर भी ली है। ऐसे में आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि अशोक कुमार का जीवन बचाने के लिए जितना भी हो सके आप सभी लोग बढ़ चढ़कर उनके जीवन के लिए दान करें। अशोक कुमार की मदद करने के लिए दिए गए फोन नंबर पर आप श्रद्धानुसार धनराशि दान के रूप में दे सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पर आप गूगल पे अथवा फोन पे के माध्यम से जितनी भी धनराशि हो सके उतनी धनराशि भेजकर अशोक कुमार की जीवन बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।